नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, लीजेंडरी एक्टर अमित जी यानी कि अमिताभ बच्चन का बर्थडे कल था और इस अवसर पर देश विदेश से उनको बड़ी बड़ी न केवल राजनीतिक अस्थियों ने बल्कि दोस्तों उनके जो साथी कलाकार है, बॉलीवुड की बड़े बड़े कलाकार है, सेलेब्स है, सभी ने अमिताभ बच्चन को बर्थडे की शुभकामनाएं दी है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में कि किस प्रकार से अमिताभ बच्चन को बर्थडे की जो बेस्ट विशेष मिली है, शुभकामनाएं मिली है। वैसे दोस्तों, अमिताभ बच्चन का जो बर्थडे था वो 10 तारीख की रात को 12 बजे से शुरू हो गया था। इसके बारे में मैंने आपको अपने एक वीडियो में जानकारी भी दी थी कि आर बाल्की जो कि अमिताभ बच्चन से कैसे प्रभावित है और करीब करीब उनकी सभी फिल्मों में आप अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं, चाहे उनका कैमियो रोल ही हो। तो दोस्तों, वे पीवीआर थिएटर में अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म अमरकरण थोनी देखने गए थे। अमिताभ बच्चन का जो फिल्म महोत्सव चला था 8 से लेकर के 11 अक्टूबर तक उस दौरान, और वहां पे अनन्या पांडे भी मौजूद थी और भी कई बॉलीवुड सेलेब्स थे। तो उन्होंने पहले फिल्म का आनंद लिया और ठीक 12 बजते ही उन्होंने हैप्पी बर्थडे अमिताभ बच्चन सर का जो सॉन्ग है वो गाया वहां पे, मतलब उनको जन्मदिन का सेलिब्रेशन किया। इसके अलावा दोस्तों, अमिताभ बच्चन के घर के बाहर, उनके निवास स्थान के बाहर भी काफी बड़ी संख्या में अमित जी के जो प्रशंसक है इकट्ठे हो गए थे उनको बर्थडे विश करने के लिए। तो दोस्तों, उनके अमिताभ बच्चन का बर्थडे मनाने के लिए वो कई देर से वहां पे इकट्ठा हुए थे और उनके हाथों में केक भी थे, फ्लावर्स थे और कई तरह के गिफ्ट थे और वे अमिताभ बच्चन की एक झलक देखना चाहते थे और उन्हें बर्थडे की जो शुभकामनाएं देना चाहते थे। और दोस्तों, अमित जी ने भी उनको निराश नहीं किया। वे बाहर आए थे घर से, अपनी बालकनी में आए थे और सभी प्रशंसकों की ओर हाथ हिला करके अभिवादन किया और उनकी जो शुभकामनाएं उनको स्वीकार की है। ऐसी खबरें, ऐसी जो पिक्चर्स है वो सोशल मीडिया पर काफी चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन को बर्थडे की शुभकामनाएं सभी बॉलीवुड सेलेब्स ने दिए, करीब करीब सभी बॉलीवुड सेलेब्स ने दिए, यहाँ तक कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत हो, चाहे ममूटी हो या अन्य स्टार हो, उन्होंने भी अमित जी को बर्थडे की शुभकामनाएं दी है। इसके अलावा शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनको बर्थडे की शुभकामनाएं दी है और सबसे बड़ा आइकॉनिक स्टार बताया है। साथ ही दोस्तों, अमिताभ बच्चन को बर्थडे की शुभकामनाएं देने में अक्षय कुमार ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी है। एक पोस्टर अमित जी के साथ उन्होंने शेयर किया है और लिखा है उन्होंने कि आपको देख कर ही हम लोग फिल्म स्टार बने हैं, एक्टिंग करना चाहते थे, हीरो बनना चाहते थे, आपकी फिल्में देख कर ही सारी ये हमें चीजें का मतलब क्या एक्टिंग होती है इसके बारे में जानने को मिलता है। इसके अलावा वेटरन एक्ट्रेस मुमताज है, उन्होंने भी अमित जी को बर्थडे विश किया है। और मैं कितने आपको बताऊं, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी अमित जी को बर्थडे की शुभकामनाएं दी है। और दोस्तों, बहुत से जो सेलेब्स है, अनुपम खेर है, जैसे जैसे मतलब मैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, मेरे को कई नाम तो मतलब ध्यान भी नहीं आ रहे, लेकिन करीब करीब मैं आपको कह सकता हूँ कि करीब करीब सभी ने अमित जी को बर्थडे की शुभकामनाएं दी है, आर बाल्की है। इसके अलावा दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्रों से भी अमित जी को बहुत से लोगों ने शुभकामनाएं दी है। इनमें मुख्य रूप से मैं प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने भी अमित जी को उनके जन्मदिन पर, 80वें जन्मदिन पर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा है कि आप एक बहुत बड़े स्टार रहे हो और बहुत ही जबरदस्त आपका जो एक्टिंग का अंदाज था वो हुआ है और लोग काफी आपसे प्रभावित रहे हैं। इस तरह से आए नरेंद्र मोदी जी ने अमिताभ बच्चन को बर्थडे की शुभकामनाएं दी है। और दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने भी माननीय मोदी जी का धन्यवाद कहा है उनको बर्थडे की शुभकामनाएं देने के लिए। दोस्तों, इस प्रकार जी अमित जी को मतलब काफी बड़ी, मतलब एक आप जानते हैं कि काफी बड़ी संख्या में उनकी फैन फॉलोइंग है और सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं एज ए एक्टर। जितने बड़े वो एक्टर है और जिस प्रकार से उन्होंने एक्टिंग का एक नया आयाम स्थापित किया, जिस प्रकार से एक लीजेंडरी एक्टर रहे हैं और आज भी जिस प्रकार से फिल्मों में सक्रिय है और आज भी उनकी फैन फॉलोइंग उतनी ही है, फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अमित जी को जो जन्मदिन की शुभकामनाओं देने वालों का तांता लगा रहा पूरे दिन भर और काफी मतलब अमित जी को मतलब बर्थडे की बेस्ट विशेष मिली है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।